चुनावी साल में प्रदेश कांग्रेस का ट्रंप कार्ड माने जा रहे महंगाई राहत शिविर अब प्रदेश की सियासी आंच पर भी सिक रहे हैं और हम शिविरों को लेकर पक्ष प्रतिपक्ष के बीच जमकर सियासत हो रही है। चंबल के पानी की तीखी राजनीति वाले शहर कोटा में तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर शिविरों पर जुबानी जंग, हाथापाई और मुकदमेबाजी तक पहुंच गई है। देखिए कोटा से फर्स्ट इंडिया की ये स्पेशल पॉलिटिकल रिपोर्ट। महंगाई राहत शिविरों पर ढेरों सवाल खड़े कर रहे प्रदेश के विपक्ष के नेता भी महंगाई राहत शिविरों का दौरा कर रहे हैं और शिविर सियासत को जमकर हवा दे रहे हैं। लेकिन कोटा के रामगंज मंडी से बीजेपी के विधायक मदन दिलावर द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के एक शिविर में पहुंचकर किए हंगामे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस पूरे मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस ने बीजेपी विधायक के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहाँ पे जो भी कैंप प्रभारी था उसके द्वारा राजकार्य में बाधा पहुंचाने का जो है कंप्लेन दी गई, उस कंप्लेन के आधार पे हम लोगों ने 143 में मुकदमा दर्ज किया और उसकी जांच अब जो यहाँ पे एडिशनल SPCB CID में उनके द्वारा की जा रही है। इधर सत्ताधारी कांग्रेस ने भी बीजेपी विधायक को निशाने पर लेते हुए महंगाई राहत शिविरों में प्रदेश की जनता को मिल रही बम्पर राहत पर विपक्ष को बौखलाया हुआ करार देने का प्रयास शुरू कर दिया है। लेकिन मुकदमा दायर होने से बेखौफ दिलावर राहत शिविरों की नियत और व्यवस्था दोनों पर ढेरों सवाल खड़े करने से अब भी नहीं चूक रहे हैं। विपक्ष बौखला गया है और आपके जिले में एक विधायक ने जिस तरह का कृत्य किया वो आपराधिक श्रेणी का कृत्य होता है और मुझे पता चला है कि उनका आपराधिक पृष्ठभूमि भी है। आप जाकर कंप्यूटर का प्लग निकालते हैं, इसका मतलब आप राज्य कार्य में बाधा पैदा करना चाहते हैं। तो ये बौखलाहट विचलन ये देखने को मिल रहा है, इससे आप समझ जाएगी जनता कितनी खुश है कांग्रेस। पब्लिक को बताइए नगर पालिका के ग्राम मंडी में, और जब वहाँ कंप्यूटर ही नहीं चल रहे हैं, नेटवर्क ही नहीं, तुम्हारे पास नेट ही नहीं है, तो मैंने मेरे कर्मचारी से कहा जाओ यहाँ से और इसको ठीक करा के लाओ या ठीक लाओ। और मैंने कहा तुम्हारे आकाओं को जाके कह दो इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, इसको ये राजकाज में बाधा मानते हैं और राजकाज में बाधा मान करके राजमंडी थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है उकसाने का, भड़काने का लोगों। इधर इस पूरे सियासी झमेले के बीच कोटा में स्थानीय प्रशासन ने भी अपना पूरा जोर महंगाई राहत शिविरों और इसके प्रबंधन पर झोंक रखा है और जिले में 60 स्थायी शिविरों के साथ ही 18 मोबाइल शिविर लगाए गए हैं। लेकिन कोटा में इन शिविरों पर गर्म होता सियासी माहौल बता रहा है कि चुनावी साल में कांग्रेस के इस ट्रंप कार्ड कैंपेन पर बीजेपी हमलावर रहने और मीन मेख निकालने का कोई मौका भविष्य में भी चूकने वाली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिविरों को आफत बता रही बीजेपी और राहत बता रही कांग्रेस के दावों में से शिविर के धरातल पर कौन सा दावा साकार होता नजर आता है। वैसे अभी तो कोटा में महंगाई राहत शिविरों में जनसैलाब ही उमड़ता नजर आ रहा है। भवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा।